Hello everyone, I am Andrei Sharma and welcome to my channel. In the previous session, we have discussed the first question of exercise 3.7. Okay, number one, the second question, and the question is, one says, give me 100 friend, I shall become twice as rich as you. Kisi ne kaha aapse? Maine hi kaha. Aap mujhe bole, mujhe 100 rupaye chahiye do aap. Agar 100 rupaye aap mujhe doge, then I will become twice as you. Aapke se wo doguna ameer ho jayega, rich ho jayega. Okay. एंड अदर केसेस, दूसरा कोई रिप्लाई करता है, जमाना उतना थोड़ा शरीफ है आपको, ऐसे 100 रुपये में हो दे देगा. देखो दूसरे ने क्या कहा, इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू. अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे तो आपसे मैं 6 times ज़्यादा रिच हो जाऊँगा. अब दोनों का कह रहे थे आपको, टेल मी द वट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. दोनों को आपको फाइन करनी है अमाउंट किसके पास कितना था, ताकि ये कंडीशन आपकी क्या हो, सेटिस्फाई. सबसे पहले क्या करोगे, दो आदमी है तो मान लेते हैं एक्स वाई, पहले की दूसरे की. हाँ जी चलो, लेट अमाउंट माननी है दोनों, क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज एक्स एंड सेकेंड पर्सन बी रुपीज वाई. देन भैया क्या रखा आपको, पहला का आपने क्या माना था एक्स, अब दूसरे ने आपसे कहा मुझे 100 रुपये दो, दूसरे ने आपसे कहा 100 रुपये दो, आप खुद को आप मानते हो एक्स पहले वाले को, अगर आप 100 रुपये दिया तो आपसे क्या हुआ, कम की ज़्यादा घाटा. तो इफ फर्स्ट गिव्स रुपीज 100 देन अमाउंट लेफ्ट टू फर्स्ट पर्सन के पास अमाउंट क्या होगा, अगर इसने 100 रुपये दिया, आप किसी को 100 रुपये देते हो, आप में से जाएगा घटेगा, गया इसलिए क्या हो गया माइनस के लिए, सेकेंड के पास का कोई सोचो, तो अमाउंट एंड लगा दो ऑफ सेकेंड पर्सन, अब क्या होगी इसकी वाई को होने रखन दिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा, देखो अगर भाई इसने 100 रुपये दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 100 रुपये मिला किसको, इसको, तब जो है आपसे दोगुना अमीर हो जाता है ये भाई साहब जिसको मिला रुपया, ठीक है. थोड़ा सॉल्व करो तो क्या मिलेगी आपको, इट इज़ 2x-200 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 100. यहाँ से आ गया 2x-y इक्वल्स टू 100 प्लस 200 और यहाँ से वैल्यू आ गया आपको 2x-y इक्वल्स टू 300 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर, अगेन ठीक है, फिर से आओ क्या आधा दूसरे क्या रखा, भाई तू मेरे को नहीं चाहिए, अब आप ही मेरे को 2 रुपया 10 रुपया. इफ सेकेंड पर्सन गिव्स रुपीज 10 देन अमाउंट लेफ्ट टू सेकेंड पर्सन, भाई उसने दे रखा उससे गया तो y-10, सेकेंड ने दिया ना, फर्स्ट वाले को मिला, अमाउंट विल हैव फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट के पास क्या होगा बताओ, एक्स प्लस 10 जाहिर सी बात है उसको मिला ना. हाँ तो अब क्या कह रखा कंडीशन, सोचो थोड़ा, आई सैलरी 6 times एज रिच एज यू, तो अगर आप दिए हो 6 times आपसे होगा, तो ये जो भाई साहब है आपसे, आप दिए तो कौन y-10 आपसे 6 गुना ज़्यादा अमीर होगा,
दिस इज द कंडीशन. थोड़ा सॉल्व करो, ये मिला आपको x प्लस 10 इक्वल्स टू 6y माइनस ऑफ 60. ठीक है, चलो देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 60 माइनस 10. इट इज x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 70. एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब देखो सिंपल सी बात है, वहाँ x का कोफिशेंट कितना बताओ, 2 और यहाँ है, मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 2. क्यों कर रहा हो समझ आया ना, कॉफिशन एक्स किसी में एलिमिनेशन मेथड से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. 2 इंटू एक्स माइनस 6y क्या हो जाएगा, माइनस 70 इंटू 2 इट विल बी 2x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 140. ठीक है जी, तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन. अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको उसमें से. नाउ सब्ट्रैक्टिंग किसको करनी है भाई, थर्ड को किस में से, तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट अ क्या मिला, तो ये क्या था आपका 2x माइनस y इक्वल्स टू 300 एंड इट वाज 2x माइनस 12y इक्वल्स टू 140, वो भी माइनस में. 2x माइनस 12y माइनस 140 में. ओके, सब्ट्रैक्ट करने से जाहिर सी बात है साइन आपकी क्या होगी, चेंज. तो ये क्या हो गया आपका 2x कैंसिल, 12 में से गया 1, इट इज़ 11y इक्वल्स टू ये कितना हो गया 440. और यहाँ से y की वैल्यू आपकी होगी 440 बाई 11 और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 40 भाई साहब. क्योंकि देखो 11 4 जा, ठीक है चलो थोड़ा सा इसको नोट करो. हाँ जी नोट हो गया, चलिए इस पार्ट को रेज करते हैं. अरे मिटा है नहीं है इसको, कोई बात नहीं वहाँ तो है. अब फर्स्ट वैल्यू पुट करो तो आपको एक्स के, तो क्या लिखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी पुट करनी है, वाई की, इसमें इन फर्स्ट वी गेट. भैया यहाँ से क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये था 2x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू व्हाट 300 और आपकी y की वैल्यू है 40. 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 300, तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू आएगी 300 प्लस 40 एंड 2x विल बी 340 और x हो जाएगा 340 का हाफ एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट 170. ठीक है, ये मिला आपका 17 2 34. अब क्या लिखोगा फाइनली, हिंस वी गेट, हिंस वी गेट फर्स्ट पर्सन हैज रुपीज 40 एंड सेकेंड पर्सन हैज रुपीज 170. दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अमाउंट इन बोथ द पर्सन. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.